वेलकम टू आई स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम रेडीमेड प्लाजो पैंट या सलवार का जो क्रॉच एरिया है, जो आसन है, उसका जो कर्व पार्ट है, उसको कैसे बढ़ाते हैं। तो ये रेडीमेड प्लाजो है और आप देख सकते हैं एक ही बार पहनने से ये पैंट फट गया है, क्योंकि आप इसका जो शेप है वो देखिए, इसकी जो क्रॉच की जो शेप है वो आप देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट शेप है। यहाँ से इस तरह से जो कर्व का एरिया है वो बिल्कुल इसमें दिया नहीं है, तो ऐसे पैंट प्लाजो और सलवार पहनने से ही फट जाते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ऐड करेंगे, इसको मियानी भी बोलते हैं। तो ये पीस हम पॉकेट का फैब्रिक यूज़ करके कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए हमें आगे और पीछे से 6 to 7 इंच जितना सीम को ओपन करना है, हमें ये खोल लेना है पार्ट को। तो आइए हम इसे खोल लेते हैं, आगे और पीछे दोनों साइड से खोलना है। तो इसके लिए हम पहले इसको टर्न कर लेंगे। और सीम रिपर की मदद से हम इसको ओपन कर लेंगे। ये मैं आपको फास्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने आगे और पीछे से ओपन कर लिया है, 6 to 7 इंच जितना ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें ये जो मियानी है वो पॉकेट में से लगानी, हमें सेम मैचिंग कपड़ा चाहिए, तो इसके लिए हम पॉकेट में से लगाएंगे। जो लेफ्ट साइड का पॉकेट है उसको हम काटेंगे, राइट साइड वाला नहीं काटेंगे। तो पॉकेट को हमें अभी नहीं काटना है क्योंकि पॉकेट ओपन है। तो इसके लिए पहले हम इसे वापस टर्न कर लेंगे, राइट साइड हम आउट कर लेंगे। और ये जो पॉकेट है, ये जो खुला पॉकेट है आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला, उसको पहले यहाँ से यहाँ तक लेके हम स्टिच कर लेंगे, तो ये पॉकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ कि कैसे हम पॉकेट को क्लोज कर लेते हैं। पॉकेट को क्लोज करने के बाद ही हमें पॉकेट को कट करना है। बैक टैग करके स्टार्ट करेंगे और बैक टैग करके एंड करेंगे। ये हमारा पॉकेट क्लोज हो गया है, ये देख सकते हैं आप, बंद हो गया है। अब वापस हम इसे टर्न कर लेंगे। और जिस साइड का पॉकेट हमने क्लोज किया है उस साइड के पॉकेट को इस तरह से हम बिछाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। हमें सिर्फ पॉकेट ही कट करना है, पैंट के ऊपर कट नहीं लग जाए उसका ध्यान रखना है। तो हम किनारे से पॉकेट को कट कर लेंगे। ये आप देखिए हमने पॉकेट को कट कर लिया है। अब ये पॉकेट में से हम ट्रायंगल पीस कट करेंगे। आप देखिए बीच में यहाँ पे उसमें सिम भी है, जॉइंट किया हुआ है बीच में से। अभी हमें इसमें से ट्रायंगल पीस निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं आप देखिए। इस तरह से हम ट्रायंगल बना लेंगे, मैक्सिमम कपड़ा यूज हो इस तरह से हम ट्रायंगल बना लेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ट्रायंगल रेडी है।
अब ये पीस हम लगाएंगे मियानी के हिसाब से पैंट के अंदर। कैसे लगाते हैं अब आगे देखते हैं। अब हमने जो सीम ओपन किया था तो वहाँ पे जो लेग का साइड है, जो दोनों पैर की जो साइड है, वो पहले हम फिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई खोलते हैं तो वहाँ की सिलाई टूट जाती है, तो उसको पहले हम बैक टैक करके फिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम इसे फिक्स कर लेंगे। इस तरह से जो दोनों पैर की साइड है वो हम बैक टैक करके फिक्स कर लेंगे, तो वहाँ की जो सिलाई है वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद ही हम मियानी लगाएंगे। ये हमने फिक्स कर ली है। और जो हमने पॉकेट कट किया था उसके बीच में भी एक सीम है, तो उसे भी पहले हम एक बार स्टिच करके अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए, ये जो मिडल का पार्ट है यहाँ का, उसका और मियानी का जो ये मिडल का पार्ट है वो ट्राइंगल पीस का, उसको हम मैच करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, दोनों की रॉन्ग साइड जो है वो बाहर की तरफ रहेगी। इस तरह से मिडल का पार्ट हम मैच करेंगे। आप क्लोजअप में देखिए, ये जो मिडल का पार्ट है और ये जो मिडल का पार्ट है, दोनों की सीम हम मैच कर रहे हैं। और यहाँ बीच से अभी स्टिच स्टार्ट करेंगे। क्या आप देख सकते हैं, हम क्लोजअप में अभी स्टिच करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये मिडल में से हम स्टार्ट करेंगे स्टिच करना। कोई भी क्रीज नहीं आई है हमें देखना है। यहां से बैक टैक करके स्टार्ट करेंगे स्टिच करना और फिर आगे तक स्टिच करते हुए जाएंगे। मियानी का जो एंड है वहां तक हम स्टिच करेंगे और यहाँ पे हम बैक टैक करेंगे। वापस यहीं से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। हमें वापस दूसरी स्टिच करनी है तो इधर से ही वापस हम स्टार्ट करेंगे और उसी स्टिच के ऊपर हम सिलाई करेंगे। एक सिलाई के ऊपर हमारी दूसरी सिलाई आनी चाहिए और इस तरह से हम वापस मिडल में आ गए हैं। अब यहाँ से हम दूसरी मियानी का जो एंड है वहां तक स्टिच करते हुए जाएंगे। यहां पे एंड पे भी हम बैक टैक करेंगे, सुई को अंदर ही रखेंगे, सिर्फ कपड़े को घुमाएंगे और वापस उसी स्टिच के ऊपर दूसरी स्टिच करते हुए मिडल में आके बैक टैक करके हम एक साइड का मियानी कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमें दूसरी साइड से भी ये ट्रायंगल जो पीस है मियानी है उसको लगाना है, तो वापस हम मिडल से मिडल को मैच करेंगे। जैसा हमने पहले मैच किया था वैसे हम मिडल से मिडल की सीम को मैच करेंगे और वापस हम मिडल से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। हमें बैक टैक करके ही स्टार्ट करना है ऑलवेज। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बीच में एक भी प्लीट्स नहीं आनी चाहिए। इस तरह से सिलते सिलते
हम जहाँ से एक मियानी का एंड आएगा, जो पहले मियानी हमने एक साइड पर लगाई थी, उसका जो ये जो भाग आ रहा है उसको हम इस तरह से फ्लैट कर लेंगे इसकी सीम, और यहाँ से आगे तक सिलेंगे। पैंट की जो ओरिजिनल सिलाई है उसके भी 2 इंच ऊपर तक हमें स्टिच करना है, और यहाँ से वापस घुमा के उसी सीम के ऊपर वापस स्टिच करना है, और वापस मिडल में आएंगे। और यहाँ से इस साइड पे वापस स्टिच करेंगे। यहाँ की मियानी का जो एंड है उसको भी वहाँ भी हम सीम को फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। और हमारी जो स्टिच है वो वापस ओरिजिनल जो पैंट की जो सिलाई थी उसके भी 2 इंच 3 इंच ऊपर तक सिलेंगे। बैक टैक करना है और वापस टर्न करेंगे और उसी स्टिच के ऊपर दूसरी बार स्टिच करेंगे। बैक टैक करके फिनिश करना है। तो ये देख सकते हैं हमारी मियानी रेडी है। आप देखिए बिल्कुल मिडल से मिडल का सीम मैच होके हमने मियानी लगाई है। अब मैं आपको आगे से दिखाती हूँ टर्न करके। इस तरह मियानी लगाने से पैंट या सलवार या प्लाजो में, तो उसके बाद हमारा जो कपड़ा है वो फटेगा नहीं बीच में से। ये आगे से देखिए पॉकेट क्लोज हो गया है और ये बीच में मियानी लग गई है। तो इसी तरह से हम कोई भी रेडीमेड प्लाजो पैंट या सलवार में मियानी लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको इसका शेप दिखाती हूँ। अब आप इसका शेप देखिए कैसे, जो हमारा जो कर्व का शेप है वो कैसे अच्छे से कर्व का बन गया है। पहले के शेप में इतना स्ट्रेट कट था, अभी देखिए कैसे ये कर्व शेप बन गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।